हाय दोस्तों, आज मैं आया हूँ बांद्रा सी फेस एंड द एटमॉस्फियर हियर इज सो सीरीन। तो मेरे मन में कुछ बात आई तो मैंने सोचा शेयर करूँ आप लोगों के साथ। प्रकृति की खामोशी में भी एक मीठी चहचहाट सुनाई पड़ती है जो मेरे मन के भीतर जाकर मुझे खामोश रहना सिखाती है। आज जब मैं इस सागर के करीब हूँ तो मुझे एहसास हुआ कि ये जो प्रकृति है वो कितनी सुंदर है और कितनी शांत है, कितनी खामोश है। मगर खामोश होने के बावजूद वो हमसे बहुत कुछ कहना चाहती है। अक्सर ऐसा होता है कि वो हमसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं मगर क्या हम उन बातों को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं? नो। ऐसा क्यों होता है? वेल, उसका रीज़न है क्या है कि हमारा जो मन है वो इस सागर की तरह है। जिस तरह सागर में हर पल हजारों लहरें उठती है और गिर जाती है, वैसे उसी तरह हमारे मन में भी विचारों की अनेक तरंग उठती है और बैठ जाती है। मगर हमें इन तरंगों में नहीं उलझना है, हमें सागर में उतरना है, मन के सागर में। और वो तब उतरा जा सकता है जब हमारा मन शांत हो, खामोश हो, तभी हम प्रकृति की बातें सुन पाएंगे ना, क्या कहना चाहता है वो हमसे। तो आज मैं यहाँ से एक बहुत बड़ी सीख लेकर जा रहा हूँ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालें, खुद के लिए मी टाइम। क्या पता कब, कैसे, किस घड़ी आपके मन के भीतर भी वो सब राज खुल जाए जो इस भगवान ने छुपा कर रखे हैं।